पितृपक्ष में क्यों कराया जाता है कौवों को भोजन? इस पौराणिक कथा से जुड़ी है वजह, जानिए इस कथा में। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए कौवों को भोजन कराया जाता है, लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? नहीं तो चलिए जानते हैं श्राद्ध में क्यों कराया जाता है कौवों को भोजन। इन दिनों हिंदू धर्म में बेहद खास और महत्वपूर्ण माने जाने वाले पितृपक्ष चल रहे हैं। इस दौरान लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि श्राद्ध के दौरान लोग कौवों को भोजन कराते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार पितृपक्ष में कौवों को भोजन क्यों कराया जाता है। धर्मशास्त्रों में जिस तरह से सभी चीज़ों के पीछे कोई न कोई वजह बताई गई है, ठीक उसी तरह से धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में भी बताया गया है कि आखिर पितृपक्ष में कौवों को भोजन क्यों कराया जाता है। ग्रंथों के मुताबिक यह पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। श्राद्ध में क्यों कराया जाता है कौवों को भोजन? आम दिनों में कौवों का घर आना लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान वही लोग इनका इंतज़ार करते हैं। दरअसल इसके पीछे मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए निकाला गया भोजन अगर कौवा उसका अंश ग्रहण कर लेता है तो पितर तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कौवे के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान कौवों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है, कौवों से जुड़ी पौराणिक कथा। पितृपक्ष और कौवों के बीच के संबंध के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कथा के मुताबिक इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफ़ी मांगी तब राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवे को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी लेकर। धन्यवाद। जय माता दी।